अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे अरब देश का सबसे ज़्यादा इफ्तार में इस्तेमाल होने वाला शोरबा। जो चिकन शोरबा बनता है वो आज आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से बनता है, जो सऊदी अरब में ज़्यादातर हर इफ्तार हर घर में मिलेगा आपको शोरबा। तो उसके लिए मैंने जो है ये जौ लिया है, गाजर लिया है, प्याज बारीक बारीक काट लिया है, टमाटर है, और ये मुर्गी का गोश्त है चिकन बगैर हड्डी का। इसके लिए मैंने काली मिर्च, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी की लकड़ी ली है। इसमें जो है ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे शोरबा बनाने के लिए। टमाटर और गाजर को हम लोग जो है मिक्सी में पीस लेंगे। एक कढ़ाई लिया, उसमें मैंने तेल डाला। तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें जो है हम प्याज डाल देंगे। प्याज को जो है हल्का भूनेंगे, लाल नहीं करना है। ये जो है खड़ा मसाला जो है इसे हम एक पुटकी बनाएंगे जो बाद में इसमें डालेंगे हम। इसको अलग से नहीं डालना है, एक पुटकी में रहेगा। प्याज हमारी जो है हल्का जो है लाल हो चुकी है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ ही साथ। इसी तरीके से भूनते रहेंगे। अब जो है हमारी प्याज और लहसुन अदरक भून चुका है। अब इसमें हम मुर्गी का गोश्त डाल देंगे। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, बड़ी बोटी नहीं रहती है। अब इसे इसी के साथ प्याज के साथ ही हम भूनेंगे। ये देखिए मेरा गोश्त जो है भुन चुका है। इसे चलाते रहेंगे ताकि जले नहीं। अब इसमें हम एक गिलास गरम पानी डालेंगे। ठंडा पानी नहीं डालना है, गरम किया हुआ पानी डालना है। अब जो पुटकी बनाए थे उस पुटकी को हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद जो गाजर थी उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, अब उस गाजर को भी इसमें डाल देंगे हम। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे जो है हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार रहेगा, धनिया पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ ही साथ गोश्त को भूनते रहेंगे। इसे चलाते रहेंगे, बंद नहीं करेंगे। हमारा गोश्त जो है
पक चुका है अब। देखिए एकदम खोलने लगा है, पक चुका है। अब इसमें हम टमाटर जो है पेस्ट के बना लिए थे इसको मिक्सी में, अब उसे भी डाल के हम इसे भी पकाएंगे। इसी के साथ ही साथ टमाटर को भी हम पकाएंगे। इसी तरीके से भूनते रहेंगे। अब हमारा गोश्त टमाटर सब बन चुका है, एकदम अच्छे तरीके से गल गया है। अब पुटकी जो हमने डाली थी गरम मसाले की, खड़े मसाले की, अब उसे हम निकाल के फेंक देंगे। देखिए कितना बेहतरीन हमारा गोश्त बन चुका है। अब इसमें जो है वो जौ डालेंगे हम। अब इस जौ को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसे अरबी में सोफान कहते हैं। ये जो मैंने डाला है जो, इसे सोफान भी कहते हैं अरबी में। इसके बाद मैंने एक गिलास पानी गरम और डाला है। अब इसी के साथ अच्छी तरीके से हम इसे पकाएंगे जब तक हमारा सोफान गल ना जाए। इसके बाद इसमें मैंने नींबू का रस डाला है। ये ऑप्शन है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन हमारा जो है शोरबा तैयार हो चुका है। अब इसमें जो है हरी धनिया की पत्ती कटी हुई हम डाल देंगे। अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए कितना बेहतरीन शोरबा तैयार हो चुका है। शोरबा ऐसा ही चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ा चाहिए ना ज्यादा पतला चाहिए, ये एकदम बेहतरीन शोरबा है। अब दोस्तों को सर्व करिए। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।